हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनेमिक चार्ट। जी हाँ, एडवांस एक्सेल की लास्ट टॉपिक डायनेमिक चार्ट, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक चार्ट में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरह से चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमने इससे पहले की क्लासेस में बेसिक चार्ट को किया था, लेकिन हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई यूज द चार्ट। आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, आप देख सकते हैं डेटा को, देख के बता सकते हैं कि डेटा किस महीने में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। आप देख के क्लियरली बता सकते हैं कि आपका ये जनवरी, अगस्त, मई, मार्च, इसमें ज्यादा सेल हुआ है, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। पर क्या हो, इस नंबर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता। जी हाँ, अब बता पाना मुश्किल होगा कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा है। हाँ, आप अगर गणितज्ञ हैं तो आप बता सकते हैं, आपकी मैथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, बता सकते हैं। और खुशकिस्मत नहीं होते हैं सब लोग जिसकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी होती है। तो इस केस में हम यूज करते हैं अपना चार्ट। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गया, और इंसर्ट में जाने के बाद मैंने चार्ट पे क्लिक किया। मैं चार्ट को ड्रैग करता हूं। अब यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि फरवरी सबसे हाईएस्ट है, जनवरी सबसे लोवेस्ट है, और मार्च और अगस्त का सेल सिमिलर है। तो चार्ट आज से नहीं, हजारों साल पहले से यूज किया जा रहा है, हजारों साल पहले से यूज किया जा रहा है। हम लाखों नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हजारों साल कह सकते हैं कि हजारों साल पहले से यूज हो रहा है। पहले के जो रूलर हुआ करते थे, उनको समझाना होता था कि हाँ ये हमारे इस साल का लगान, इस साल का कर कितना हुआ, टैक्स कितना हुआ, हम कौन सा युद्ध लड़े तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हो सकता है। इस तरह की जो स्टैटिक्स होती थी वो आंकड़ों में नहीं, इस तरह के विजुलाइजेशन में बताया जाता था। तो चलिए हम चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐड पिक्चर। ऐड पिक्चर मतलब देखिए, जब भी हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो चार्ट इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट किया, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे बैंक वाइज मेरा चार्ट आ गया, लेकिन मुझे बैंक वाइज नहीं चाहिए था, मंथ वाइज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक किया, तो मंथ वाइज आ गया और बैंक इसके सामने आ गया। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे रिलेट करने की प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से बैंक का कौन सा चार्ट है, मतलब कि एसबीआई का कौन है तो एसबीआई के है, तो मुझे ये कलर सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक तरीका और भी है कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एड डेटा लेबल कर दूं, और फिर डेटा लेबल को सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाऊं और यहाँ कैटेगरी नेम को ऐड कर दूं, सॉरी सीरीज नेम को, सीरीज या कैटेगरी नेम जो भी हो। इसको थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए इसकी जो अलाइनमेंट है उसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं। तो अब पता चल रहा है, फिर भी इसके लिए आपको ध्यान लगा के देखना पड़ सकता है। इसका तरीका क्या है? तो चलिए एचडीएफसी बैंक के लिए हम बैंक का लोगो यहाँ डाल दें, कितना अच्छा रहेगा। अब बोलेंगे सर बैंक का लोगो लाएंगे कहाँ से? जी हाँ, बैंक लोगो आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा गूगल बाबा है, हम गूगल बाबा पे जाएंगे और बैंक का लोगो लेके आ जाएंगे। तो चलिए गूगल बाबा पे चलते हैं और हम यहाँ पे गूगल, यहाँ पे लिखते हैं HDFC बैंक लोगो। एंटर प्रेस करते हैं, इमेज पे जाते हैं और एक जो हमारा वर्टिकल टाइप का जो लोगो है उसको सिलेक्ट कर लें और इसको यहां से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस हम एक्सेल पे आते हैं और यहां पे उसको पेस्ट करते हैं। बहुत बड़ा है तो पिक्चर फॉर्मेट पे जाके इसकी साइज जो कि 11x7 67 है उसको मैं 2x11 यहाँ पे देख लिया, ये सही है। अब इसको रोटेशन में 90 डिग्री के एंगल में
रोटेट कर दिया, क्योंकि हमारा इस तरह का रहेगा सही दिखेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर इसको कॉपी किया और हम अपने HDFC बैंक को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, फॉर्म में डेटा सीरीज, और इसके फिल पे गया, फिल पे क्लिक किया और यहाँ पे पिक्चर्स और यहाँ पे क्लिप बोर्ड को क्लिक कर दिया, बेटर दिख रहा है। चलिए एक बार और मैं समझाता हूँ कि क्या। तो यहाँ हमारा कौन सा बैंक है, तो ये बैंक है IDBI बैंक। तो वापस हम HDFC बैंक लोगों की जगह पे IDBI बैंक लोगों को क्लिक किया, और यहाँ पे जाने के बाद IDBI बैंक का जो लोगो है उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस एक्सेल पे आया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट किया। बहुत बड़ा पेस्ट हुआ, इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले इसको मैं 2x11 के ऊपर इस तरह से कर लिया, थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं। इसमें ब्लैंक एरिया आप देख रहे हैं बहुत, तो हम कॉर्प पे जाते हैं और जो ब्लैंक एरिया है उसको यहां से हटा देते हैं, अदरवाइज आपका पिक्चर सही नहीं दिखेगा। उसके बाद इसको हम वापस पिक्चर फॉर्मेट में आके इसको हम करते हैं रोटेट, रोटेट 90 डिग्री, और फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ IDBI बैंक और चला जाता हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, फिल के अंदर पिक्चर्स एंड क्लिप। अब देखिए IDBI बैंक को। अब क्वेश्चन ये आता है कि तो सही बैंक था, बैंक का लोगो है इसलिए कर ले। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने टीम मेंबर या अपने मैनेजर्स वाइज रिपोर्ट निकालनी है, मैनेजर का नाम है, तो क्या मैं मैनेजर साहब का फोटो लगा दूँ यहाँ पे? मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर नाम वगैरह है, आप पिक्चर्स नहीं लगा सकते या पिक्चर इस तरह के वर्टिकल में नहीं है जो आप लगाना चाह सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेक्स बॉक्स होता है, यहाँ पे ये ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, या वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं। वर्ड आर्ट पे मैंने लिया, और अभी तीसरा जो है हमारा वो तीसरा है IDBI में यूको बैंक, तो यहाँ पे UKO बैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया। और लिखने के बाद इसका जो है यहां से अपना एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, ब्लैक है तो ब्लैक नहीं व्हाइट के ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया, इसकी कलर टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन भी व्हाइट कर देता हूँ। अब इसको कॉपी किया, इसको रोटेट भी करना चाहो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, सेव फॉर्मेट में जाके रोटेट, रोटेट इन द 90 डिग्री, और इसको इधर रखो और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि सारा विजुअलाइजेशन, एक मिनट, ज्यादा ये सही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद इसी के ऊपर पेस्ट ए पिक्चर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ फालतू एरिया भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैंक एरिया ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी विजुलाइजेशन में नाम छोटा हो जाएगा तो दिखने में दिक्कत होगा, इसलिए उसी हिसाब से आप कॉल कर लीजिए ताकि यहाँ पे हमने इसको भी छोटा कर लिया और यहां से भी छोटा कर लिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूं और अपना जो हमारा तीसरा है येलो कलर वाला उस पर जाता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, और यहाँ पे फिल, फिल के अंदर यहाँ पे पिक्चर्स और क्लिप बोर्ड, तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये उन चार्टों पे इस्तेमाल करते हैं जो हमेशा एक रहता है, हर दिन चेंज होगा तो बहुत टाइम फिल होगा, तो आप अपने विवेक के हिसाब से इसका यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास डेटा जो है दो तरीके का हो, जैसे कि मेरे पास चार्ट भी है और टारगेट भी है, तो मान लीजिए पहले मैंने सेल्स और इसका सिलेक्ट करके हमने एक चार्ट बना लिया, इंसर्ट कर लिया चार्ट। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास बाद में पता चला कि टारगेट भी ऐड करना है, तो टारगेट को कैसे ऐड करें, दोबारा चार्ट लगाए? नहीं, आप इसी को यहां से ड्रैग करेंगे तो ये आपका चार्ट के अंदर कंसीडर हो जाए। बात आती है कि मुझे इसको टारगेट को मुझे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो टारगेट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ हम चल नहीं, फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर नहीं आएगा, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ आएंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ आप टारगेट दिख रहा होगा इसको हम लाइन चार्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं
एंड ओके करते हैं, देखिए लाइन चार्ट आ गया। इस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको पहले से पता है कि मुझे लाइन और कॉलम में लाइन ही लेना है, तो आपके इंसर्ट के अंदर आप जाते हैं तो आपके साथ यहाँ टू टाइप चार्ट आता है, कॉम्बो चार्ट, जहां से कॉम्बो चार्ट आप डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें सेल्स चला गया एरिया चार्ट में, तो फिर वही आपको यहाँ राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप में टारगेट को स्केच एरिया लेना है और इसको कॉलम लेना है, चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आपका स्वैप हो जाएगा। अब बात करते हैं कि छोटी सी और प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो टारगेट है इन द परसेंटेज, अगर मैंने इसको चार्ट में कन्वर्ट किया तो मेरा मेरा टारगेट दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है लेकिन कितना, क्या है कि 49% जो है वो आपके हिसाब से 49% दिख रहा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से क्या है, सिस्टम के हिसाब से जीरो में, 0.49, 1 से छोटा है, इसलिए आप यहां देख रहे होंगे कि हल्का हल्का रेड कलर आपको दिख रहा हो। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके हम जाते हैं फॉर्म में डेटा सीरीज, और इसमें हम कर देते हैं सेकेंडरी एक्सिस, देखिए ऐसे नहीं करेंगे सेकेंडरी एक्सिस, क्योंकि सेकेंडरी एक्सिस यहाँ पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आपका जो चार्ट है दिखेगा ही, दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। तो चेन चार्ट, इसमें इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, चेन चार्ट टाइप में सीरीज टाइप पे जाइए, सबसे पहले टारगेट को मैं या किसी एक को मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, देन सेकेंडरी एक्सेस करता हूँ। देखिए अगर लाइन चार्ट नहीं होता, दोनों कॉलम चार्ट होता तो देखिए कुछ इस तरह से ओवरलैप होता, इसलिए हमने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्सेस कर दिया, ताकि दोनों का एक्सेस हमारा एक जैसा हो और फिर दोनों सही से दिखे। अब कभी कभी क्या होता है कि इसका एक्सेस हो जाएगा 150, इसका हो जाएगा कम, तो आप एक्सेस को राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा एक्सेस में जाकर अपनी एक्सेस की मिनिमम मैक्सिमम को फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ परसेंटेज में है तो 0 to 1 होगा, क्योंकि 0 1 = 100% होता है, इसलिए। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चार्ट के और नए तरीके। थैंक यू।